हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्विक रिवीजन मॉड्यूल विच इज रिलीज बाय विजन आईएएस फॉर प्रीलिम्स 2024। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डील अबाउट जियोग्राफी एंड टॉपिक इज इंडियन एग्रीकल्चर, राइट। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर की, राइट, की मीन्स जो आपके इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर्स यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन, राइट, की मीन्स जो आपका ज़्यादातर जो जनसंख्या आपका वो किस पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है, राइट। सेकेंड वन आपका कह रहा है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, राइट। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आपका क्या होता है कि आप अपने जीवन यापन के लिए, राइट, की मीन्स जो है आपका लेवलीहुड के लिए आप क्या करते हैं, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, राइट। कि मीन्स इसमें आप सेल करने के लिए नहीं बल्कि जो है अपना, राइट, लेवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो है अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसको हम लोग सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, राइट, कि मीन्स जो है कितना ज़्यादा आपका प्रेशर है पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है कि सीजनल पैटर्न, राइट, कि मीन्स इंडिया के परस्पेक्टिव से अगर बात किया जाए, राइट, तो इंडिया में आपका थ्री टाइप के सीजन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं एग्रीकल्चर के, रबी होता है, खरीफ होता है एंड जायज होता है, राइट। ये कब कब होता है इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंट अपॉन मानसून, राइट, कि मीन्स जो है आपका मानसून पर डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट वन आपका आता है प्री डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, राइट, फूड क्रॉप्स का प्री डोमिनेंस के बारे में बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, राइट, कि मीन्स जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, राइट। फर्स्ट वन आपका कह रहा है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपका देखने को मिलता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि मीन्स प्रोडक्शन आपका लिमिटेड हो रहा है, लेकिन जो है आपका, मान लीजिए एज एग्जाम्पल लेते हैं कि मीन्स ये आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका अगर 10 बोरा आपका अनाज क्रॉप जो है आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो अगर इसमें आपका 20 लोग काम करें या फिर 100 लोग काम करें, जो है आपका जो फर्टिलिटी है वो 10 बोरे का ही निकलेगा, राइट। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की छिपी हुई बेरोजगारी जो है आपको देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, राइट, कि मीन्स ज़्यादा जो है आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखने को मिलता, राइट। लो प्रोडक्टिविटी एंड फेल्योर ऑफ लैंड रिफॉर्म, राइट, कि मीन्स जो भी आपका लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि लो यूज ऑफ मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स एंड बायोसाइड्स, राइट, कि मीन्स जो आपका लो यूज कर रहे हैं सभी लोग मैन्योर्स का, फर्टिलाइजर्स का और बायोसाइड्स का, राइट। लैक ऑफ इरीगेशन एंड मैकेनाइजेशन, राइट, कि मीन्स उतना ज़्यादा तकनीकी नहीं अवेलेबल है जिसकी वजह से लोग इरीगेशन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, राइट, कि मीन्स लोगों के पास जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ही नहीं है, ना ही जो है उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्रॉपिंग सीजन, राइट। तो अभी हमने देखा है कि क्रॉपिंग सीजन में आपका जो है इंडिया में आपका थ्री टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, राइट। एक होता है आपका खरीफ, देन आफ्टर आपका रवी, देन आफ्टर होता है आपका जायद, राइट। तो थ्री टाइप के आपके क्रॉपिंग सीजन होते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं, इधर आपका क्रॉपिंग सीजन दिया गया है नॉर्दर्न स्टेट में और सदर्न स्टेट में, राइट। इन द सेंस कि आपका ये इंडिया है, राइट, ये आपका इंडिया में ही अगर डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका नॉर्दर्न में जो भी आपके होते हैं क्रॉपिंग सीजन और ये आपके सदर्न में जो भी आपके क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका खरीफ के बारे में बात कर रहा है। तो खरीफ आपका इंडिया में जो स्टार्ट होता है वो जून के महीने से आपका जो है स्टार्ट होता है, सोइंग किया जाता है एंड हार्वेस्टिंग किया जाता है आपका सितंबर के महीने में, राइट। और नॉर्दर्न स्टेट में आपका इसमें किस किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, यहां पर देख सकते हैं राइस का प्रोडक्शन होता है, काटन, बाजरा, मेज, ज्वार एंड तूर, राइट, इन सभी जो है आपका क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है नॉर्दर्न स्टेट में, राइट। नॉर्दर्न इन द सेंस देख सकते हैं कि मीन्स पेनिनसुलर रीजन के अपर साइड में आपका जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, इन सभी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। और वही अगर सदर्न में बात किया जाए तो सदर्न में यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइस का, मेज का, रागी का, ज्वार का एंड ग्राउंड नट का, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अगर खरीफ के बारे में पूछता है, राइट, तो खरीफ के बारे में हमको टोटल को याद रखना है, राइट। राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तूर सभी आपके क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइस, मेज, रागी, ज्वार एंड ग्राउंड नट, राइट, सभी आपके क्या हो जाएंगे, खरीफ हो जाएंगे, राइट। तो स्टेटमेंट जनरली जो है आपको एग्रीकल्चर से हर एक को हर बार मतलब क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, राइट। तो ये हमको याद रखना है, ग्राउंड नट भी आपका क्या है, खरीफ है, राइट, और ज्वार भी आपका क्या है, खरीफ है, राइट, रागी भी आपका क्या है, खरीफ है, राइट। तो ये सभी ये आपको रिमेम्बर करना है कि मीन्स जो है ग्राउंड नट, ज्वार, रागी, मेज, राइस सभी आपके क्या है, खरीफ है, तूर, ज्वार, मेज सभी आपके क्या है, खरीफ है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका रबी, राइट। रबी यहाँ पर देख सकते हैं आपका
सोविंग किया जाता है कि मीन्स बोया जाता है आपका अक्टूबर के महीने में, और इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है मार्च के महीने में, राइट। कितना इसका टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, इसके भी बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डीप में, लेकिन यहाँ पर अभी जो है आपका शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो इसमें आपका कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, वेट आता है आपका, ग्राम आता है, रेप सीड्स आते हैं, मस्टर्ड आते हैं, बार्ले आते हैं, राइट। ये आपके कहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, इसका नदर्न स्टेट में किया जाता है, राइट। और वही सदर्न स्टेट में अगर जो है देख सकते हैं कि मीन्स रबी के सीजन में आपका क्या क्या प्रोडक्शन किया जाता है, राइस, मेज, रागी, ग्राउंड नट, ज्वार, राइट। तो एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ जो है चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिल रही है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड नट आपका जो है सदर्न स्टेट में आपका खरीफ में भी उगाया जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका रबी में भी जो है उगाया जाता है, राइट। और ठीक उसी प्रकार आपका ज्वार भी आपका क्या होता है कि खरीफ में भी आपका सदर्न स्टेट में प्रोडक्शन किया जाता है, और ये आपका रबी में भी जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। और रागी का भी सेम, मेज का भी आपका, और राइस का भी, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको रिमेम्बर करना है कि जो सदर्न स्टेट है उसमें सेम है आपका दोनों का, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका जायद। जायद देख सकते हैं कि मिस अप्रैल के महीने में आपका सोविंग किया जाता है, और जून के महीने में आपका क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है, राइट। और जायद में आपका कौन सा आता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फोडर, ये सभी आपका किस में आते हैं, ये सभी आपके जायद में आते हैं, राइट। और ये आपके नदर्न स्टेट में आपके जो है सोविंग किए जाते हैं। लाइक दैट ओनली आपका अगर सदर्न स्टेट में बात की जाए तो देख सकते हैं आपका राइस आता है, वेजिटेबल्स आता है, फोडर आता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉप्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस और एरिया ऑफ कल्टीवेशन, राइट, कि मीन्स किस जगहों पर जो है इसको क्या किया जाता है, सोविंग किया जाता है, बोया जाता है, उगाया जाता है, राइट। तो फर्स्ट आता है आपका राइस। राइस के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस होना चाहिए आपका, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही जो है जगहों पर आपका क्या किया जाता है, इसको बोया जाता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन द सेंस, देखिए ये आपका क्या है, अर्थ है, राइट। तो अर्थ पर यहाँ पर हमको पता है कि 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है, राइट। देन आफ्टर आपका 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं, राइट। ये आपका कौन सा हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हो गया, राइट। देन आफ्टर वही थोड़ा सा ऊपर अगर 60 आपका डिग्री ऊपर और 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में बात की जाए, राइट, तो ये आपका कौन सा रीजन हो जाता है, ये आपका टेम्परेट रीजन हो जाता है, टेम्परेट रीजन हो जाता है, राइट। तो राइस का यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, राइस का आपका देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी कि दोनों ही रीजन पर आपका किसका कल्टीवेशन किया जाता है, ये आपका राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राइट। रिक्वायर हाई टेम्परेचर ऑफ मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसके लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, देख सकते हैं कि मीन्स 22 डिग्री से आपका जो है ज़्यादा इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, राइट। और रेनफॉल भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर देन 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है आपको रेनफॉल का भी, राइट। और सॉयल कौन कौन से फेवरेबल होते हैं, क्ले, एल्यूवियल सॉयल, दोनों ही आपके लिए फेवरेबल होते हैं राइस के लिए, राइट। और कल्टीवेटिंग एरिया के बारे में अगर बात की जाए कि मीन्स कहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका वेस्ट बंगाल में आपका जो है प्रोडक्शन किया जाता है, वेस्ट बंगाल इन द सेंस यहाँ पर देख सकते हैं ये रीजन आपका कौन सा होता है, वेस्ट बंगाल हो जाता है, राइट। और पंजाब में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो पंजाब यहाँ पर देख सकते हैं आपका पंजाब है, राइट। उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका मेजर एरिया है, राइट, मेजर एरिया इन द सेंस जिसमें आपका डार्क में थोड़ा सा दिया गया है ये आपके मेजर एरिया है, और माइनर एरिया इन द सेंस देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट कलर में जो दिया गया आपका वो सभी आपके माइनर एरिया है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग की जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन जो आपका बनता है ये ऐसे बनता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, राइट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राइट, कि मीन्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, राइट। तो देखिए सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है आपका वो वेस्ट बंगाल में होता है, राइट। देन आफ्टर कहाँ पर होता है आपका, वेस्ट बंगाल होने के बाद आपका जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आपका यूपी में देखने को मिलता है, राइट। देन आफ्टर अगर बात किया जाए तो आपको पंजाब में देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका याद रखना है, बेसिकली 3 स्टेट को आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जो आपका राइस का प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में, देन आफ्टर आपका यूपी में, देन आफ्टर आपका पंजाब में, राइट। तो ये ऐसे याद रखना है आपका कि नॉर्थ, ये आपका पूछता है अगर कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लगेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, देन आफ्टर यूपी, देन आफ्टर आपका जो है पंजाब, राइट। नेक्स्ट बनाता है आपका, राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका क्रॉप, देख सकते हैं वेट, यानी कि गेहूं के बारे में बात कर रहा है आपका, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, राइट, कि मीन्स ये आपका किसका है, टेम्परेट जोन का। अभी हमने देखा कि राइस जो है आपका वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों का ही था, राइट, ये आपका टेम्परेट जोन का है, राइट। और इसके लिए आपका विंटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ड्यूरिंग द सोविंग, राइट, कि मीन्स जो है जिस समय इसका
आपका कल्टीवेशन किया जाता है राइट, तो उतने समय आपका जो है टेम्परेचर होना चाहिए 10 डिग्री से लेके आपका 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और समर टेम्परेचर इन द सेंस की मीन्स हार्वेस्टिंग के ड्यूरिंग आपका कितना होना चाहिए, 21 डिग्री से लेके आपका जो है 26 डिग्री तक होना चाहिए राइट, देन ओनली आपका जो है जो क्रॉप्स है वो राइपनिंग कर पाता है राइट। और इसके लिए रेनफॉल के अगर बात की जाए तो 50 से देख सकते हैं 75 सेंटीमीटर का आपका रेनफॉल की आवश्यकता होती है राइट। वही अगर राइस के बारे में बात किया जाए तो हमने देखा कि मीन्स 100 सेंटीमीटर का जो है आपका रेनफॉल जो है आवश्यकता होता है आपका, और टेम्परेचर आपका 22 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होता है टेम्परेचर का राइट। और सॉयल के बारे में बात की जाए तो क्ले लोम एंड लोम टेक्सचर जो है आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है राइट। और प्रोड्यूसिंग जो आपका एरिया ऑफ कल्टीवेशन है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश राइट। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी रीजन्स में आपका क्या किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है राइट। और क्वेश्चन अगर सेम वही क्वेश्चन आपका बनता है कि मीन्स वेट के रिगार्डिंग भी आपका सेम वही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसको आपको डिसेंडिंग आर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग आर्डर में लगाना है कि उसके प्रोडक्शन के लिए जो है राइट। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है वो आपका वेट का यूपी में होता है राइट, देन आफ्टर आपका कहाँ पर होता है एमपी में होता है, देन आफ्टर आपका कहाँ पर होता है पंजाब में होता है राइट। तो ये भी आपको याद रखना है यूपी, एमपी एंड पंजाब राइट। और वही अगर हमने देखा कि राइस के केस में हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो आपका वेस्ट बंगाल में हो रहा था, देन आफ्टर आपका यूपी में हो रहा था, देन आफ्टर आपका पंजाब में हो रहा था राइट। तो दोनों को ही आपका डिसेंडिंग आर्डर में कम से कम 3 स्टेट को याद रखना है आपको राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका बात कर रहा है कि पल्सेज के बारे में बात कर रहा है राइट, कि मीन्स जो दलहन वाली फसलें होती हैं उसके बारे में बात कर रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको क्या होना चाहिए और एरिया आप कल्टीवेशन कौन कौन से है राइट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेज राइट, कि मीन्स जो आपका इंडिया जो है वो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेज का राइट। 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज राइट, कि 1/5 यानी कि अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड के लेवल पर तो 1/5 जो प्रोडक्शन होता है वो आपका इंडिया के द्वारा जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है राइट। टेम्परेचर इसके लिए आपका जो है 20 डिग्री से लेकर आपका 27 डिग्री सेल्सियस तक का रिक्वायरमेंट होता है। रेनफॉल आपका देख सकते हैं कि लेस आवश्यकता होती है 225 सेंटीमीटर से लेकर आपका जो है 60 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है आपका रेनफॉल की राइट। और सॉइल इसके लिए आपका सैंडी एंड लोम दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं राइट। कल्टीवेटिंग एरिया के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका ड्राई ऑफ दक्कन एंड सेंट्रल प्लेट्यू एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका पल्सेज का प्रोडक्शन किया गया है ये कितना कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर राइट, कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि यील्ड दिया हुआ है आपका केजी पर हेक्टेयर जो है आपका ये यील्ड का प्रोडक्शन दिया गया है राइट। और अगर इसमें बात किया जाए आपको कि डिसेंडिंग आर्डर में लगाना है कि मीन्स एरिया ऑफ प्रोडक्शन राइट, तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है आपका एमपी में राइट, एमपी में याद रखना है राइट। देन आफ्टर आपका कहाँ होता है महाराष्ट्र में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में, देन आफ्टर आपका कहाँ पर होता है ये आपका राजस्थान में होता है राइट। तो ये भी आपको याद रखना है राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, अब आपको मन में आ रहा होगा कि 5.12 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपका 6.66 दिया गया, यहाँ पर आपका जो है 4.60 दिया गया राइट। तो ये आपका दिया गया है कि यील्ड इन पर केजी पर हेक्टेयर दिया गया राइट, लेकिन आप ओवरऑल अगर बात की जाए राइट तो सबसे फर्स्ट पर आता है आपका एमपी में प्रोडक्शन किया जाता है, देन आफ्टर आपका महाराष्ट्र में, देन आफ्टर आता है आपका कहाँ पर राजस्थान में इसका प्रोडक्शन किया जाता है राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि ऑयल सीड्स के बारे में बात कर रहा है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑयल सीड्स के बारे में आपका बात कर रहा है। इसके लिए आपका टेम्परेचर की आवश्यकता होती है कि 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक का आवश्यकता होता है। रेनफॉल इसके लिए आपका जो है बहुत ही लेस आपका 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक काम चल जाता है राइट। सॉइल इसके लिए आपका लोमी एंड क्ले लोम दोनों ही आपका बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। और एरिया ऑफ कल्टीवेशन का अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं कि ड्राई लैंड ऑफ मालवा प्लेटू जो भी हैं आपके, और मराठवाड़ा है, गुजरात है, राजस्थान, तेलंगाना राइट, रायल सीमा रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश है एंड कर्नाटका प्लेटू, यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी रीजन्स में इसका प्रोडक्शन किया जाता है ऑयल सीड्स का राइट। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी आपका बात कर रहा है कि यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर के बारे में आपका बात किया गया है राइट। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं राइट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपका मेंशन किया गया है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं राइट। ये आपका ऑथेंटिक डाटा से जो भी हो सकता है राइट वो हम लोग सोर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं राइट। तो देखिए, फोर्थ लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का राइट। अगर इंडिया के बारे में बात किया जाए तो आपका फोर्थ लार्जेस्ट आपका क्या है, प्रोड्यूसर है राइट। तो ये आप कहीं राइट डाउन कर सकते हैं राइट, फोर्थ लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है इंडिया किसका, आपका ऑयल सीड का
राइट, और सेकंड लार्जेस्ट आपका कंज्यूमर है, राइट। और कंज्यूमर अगर बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट आपका कंज्यूमर है आपका किसका, ऑयल सीड का, राइट, इंडिया जो है, राइट। और वही अगर बात की जाए इम्पोर्टर का, राइट, तो इम्पोर्टर यानी कि इम्पोर्टर पर आता है आपका इंडिया फर्स्ट पर आता है, राइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर प्रोडक्शन इम्पोर्ट करने वाला बात किया जाए कि बाहर से मंगाया जाता है तो आपका इंडिया में ही मंगाया जाता है, राइट। तो ये भी बात को आपको याद रखना है कि मीन्स जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है आपका इसको इंपोर्ट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट वन क्रॉप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका बात कर रहा है कॉटन के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो कॉटन यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्लाइमेटिक कंडीशन एरिया आप कल्टीवेशन के बारे में दिया गया, कॉटन के बारे में कह रहा है आपका कि ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन, राइट, कि मीन्स ये आपका क्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि ग्रोन आपका खरीफ सीजन में किया जाता है सेमी एरिड रीजन में। एरिया आप कंट्री की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कॉटन रिक्वायर्ड क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज टेम्परेट, राइट, कि मीन्स देखिए इसके लिए बात किया जाता है कि 210 डेज का आपका फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए, राइट, इसीलिए आपका बात कर रहा है कि क्लियर स्काई होना चाहिए, राइट, ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज, राइट, जो उसके फूल लग रहे होते हैं तो उसको क्लियर स्काई चाहिए होता है, राइट। और टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का जो है आपका टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है एंड 50 टू 100 सेंटीमीटर का आपका रेनफॉल की आवश्यकता होती है, राइट। सॉइल के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि वेल ड्रेन्ड लोम एंड रेगर सॉइल दोनों ही आपका जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, राइट। और एरिया आप कल्टीवेशन के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं आपका आपकी पार्ट ऑफ पंजाब है, हरियाणा है एंड नॉर्दर्न राजस्थान है, इन नॉर्थ वेस्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन द वेस्ट एंड प्लेटू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, राइट, इन सभी रीजन्स में आपका कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पर जो है आप मैप में भी देख सकते हैं, राइट। और अगर प्रोडक्शन के बारे में आपका जो है वर्ल्ड लेवल पर बात किया जाए, राइट, तो आपका सेकेंड रैंकिंग है आपका इंडिया का, सेकेंड रैंकिंग है आपका कॉटन के प्रोडक्शन में आपका आफ्टर चाइना, राइट। तो फर्स्ट पर आपका कौन आता है, चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, देन आफ्टर आपका इंडिया में जो है कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है जूट के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो जूट के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका टेम्परेचर आपका जो है 24 डिग्री से लेकर आपका जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल 120 से लेकर आपका जो है 150 तक का जो है आपका रेनफॉल चाहिए होता है, राइट। तो एक बात आप कंसीडर कर सकते हैं, राइट, कि मीन्स देखिए अभी तक हमने सबसे ज़्यादा जो आपका रेनफॉल देखा था वो आपका राइस के केस में देखा था जो कि आपका मोर देन और एवरेज 200 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए था, राइट। लेकिन इस केस में देख सकते हैं कि जूट के कल्टीवेशन के लिए आपको जो है रेनफॉल 120 से लेकर आपका 150 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है, राइट। सॉइल की अगर बात की जाए तो वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल होना चाहिए, राइट। और ये आपका एरिया आप कल्टीवेशन के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन इन द कंट्री, बिहार एंड असम, राइट, अलॉन्ग विथ आपका बिहार एंड असम। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका बात कर रहा है कि वेस्ट बंगाल में किया जाता है, देन आफ्टर आपका बिहार में एंड देन आफ्टर आपका असम में, राइट। तो एरिया इसका रीजन आप कल्टीवेशन यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। और हमको पता है कि सबसे ज़्यादा बारिश आपका इसी साइड होता है, क्यों इसी साइड होता है, क्योंकि इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, राइट, यानी कि आपका ओशियन है, राइट। तो समुद्री हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से इधर क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, और जिस अगर यही बात किया जाए कि मीन्स जिस प्रकार से हम दूर जाते हैं तो रेनफॉल आपका घटता जाता है, और इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं डिजर्ट देखने को मिलता है, राइट। तो इसीलिए जो है आपका क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन किया जाता है जूट का ये यहीं किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि मीन्स 120 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक जो है आपका रेनफॉल की आवश्यकता होती है फॉर द प्रोडक्शन आप जो है आपका जूट के लिए, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है, कह रहा है आपका कि टी यानी कि जो चाय पत्ती होती है उसके बारे में बात कर रहा है कि मीन्स जो है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होना चाहिए, देख सकते हैं कि मीन्स इट इज़ ग्रोन ओवर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, राइट, कि मीन्स ये आपका फ्लैट सरफेस पर नहीं आपका ग्रो किया जाता है, राइट। इसको अंडुलेटिंग सरफेस इन द सेंस कि मीन्स माउंटेनियस रीजन पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, राइट, स्लोपी एरिया में जो है आपका इसका प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। वेल ड्रेन्ड सॉयल्स इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेचर की बात की जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक रेनफॉल आपको 150 से लेकर 300 से सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है, राइट। तो मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अभी तक जो हमने पढ़ा है, राइट, उसमें आपका सबसे ज़्यादा आपका 100 सेंटीमीटर तक का राइस में चाहिए होता है, देन आफ्टर जूट का हमने देखा है कि 100 आपका 20 से लेके आपका जो है 150 तक की आवश्यकता होती है, राइट। लेकिन यही अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अगर टी के बारे में, चाय पत्ती के बारे में बात की जाए, राइट, तो इसको लिए आपका जो है 150 सेंटीमीटर से लेके आपका जो है 300 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की आवश्यकता होती है, राइट। इसीलिए आपका स्लोपी रीजन्स में इनका जो है आपका ग्रो इसका प्रोडक्शन किया जाता है ताकि वहाँ पर जो है आपका हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, राइट। सॉइल के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं वेल ड्रेन्ड लाइट लोमी सॉइल इसके लिए होना चाहिए आपका, और एरिया आप कल्टीवेशन आपका ब्रह्मपुत्र वैली जो कि आपका असम का है, सब हिमालयन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल जो कि दार्जिलिंग है, राइट,
जलपाईगुड़ी है राइट, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट है, एंड लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी एंड कार्डमम हिल वेस्ट बंगाल का जो है आपका देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट का देखने को मिलता है राइट। तो रीजन्स यहाँ पर देख सकते हैं, टी का कल्टिवेशन आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में राइट, असम के देख सकते हैं दार्जिलिंग में, मेघालय में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, एंड केरला के नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है राइट। नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है शुगर केन के बारे में बात कर रहा है राइट। तो शुगर केन के बारे में जो है हमने कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया हुआ था राइट, कि मीन्स इंडिया का रैंकिंग क्या है वर्ल्ड लेवल पर राइट। तो इंडिया का रैंकिंग आपका फर्स्ट है वर्ल्ड लेवल पर, इसके बारे में आपका PYQ में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे राइट। और सेकंड पर आपका कौन सा आता है, ब्राजील आता है राइट, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है, ये ब्राजील को ही बोला जाता है राइट, तो ये भी आपको याद करना है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए आपको होना चाहिए कि क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए, अंडर रेनफेड कंडीशंस होना चाहिए राइट। इट इज कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट राइट, कि मीन्स इसमें ये आपका शुगर केन बोथ कंडीशंस में आपका जो है इसको कल्टिवेशन किया जाता है, इन द ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड दोनों ही कंडीशंस में जो है आपका ये फेवरेबल होता है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर की बात किया जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 27 डिग्री सेल्सियस तक का जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, एंड रेनफॉल की बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर से लेकर आपका 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल की आवश्यकता होती है राइट। और सॉयल आपका जो है वेल ड्रेन्ड एल्यूवियम होना चाहिए, ब्लैक एंड रेड एंड ब्राउन रेगर सॉयल पर भी इसका जो है आपका ग्रो प्रोडक्शन देखने को मिलता है राइट। एरिया ऑफ कल्टीवेशन का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका गंगेटिक प्लेन्स जो कि आपका बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, लार्जली कंसनट्रेटेड इन उत्तर प्रदेश होता है, 2/5 ऑफ द इंडिया का कल्टीवेशन आपका यहीं पर ही किया जाता है राइट। लेकिन एक बात और भी याद रखना है आपको कि मीन शुगर केन का आपका जो है अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था कि शुगर केन का जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है राइट, वो सदर्न साइड आपको क्यों शिफ्ट हो रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और मेंस में भी इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता राइट। तो देखिए आपको कुछ बातें याद रखना है कि मीन्स जो है आपका क्यों सदर्न साइड शिफ्ट हो रहा है राइट। तो देखिए इधर आपका क्या होता है कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है राइट, इधर आपका रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमको पता है कि शुगर केन आपका जो है अगर वाटर बहुत ज़्यादा पाता है, वाटर सप्लाई पाता है राइट, तो इसमें आपका जो जूस की मात्रा होता है, रस की मात्रा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है राइट। तो इसीलिए इधर आपका शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो पा रहा है राइट, इसी की वजह से जो है आपका ये दक्षिण साइड में आपका शिफ्ट हो रहे हैं राइट। और अगर बात कीजिए कौन कौन से रीजन्स में, यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न इंडिया जो कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड सदर्न इंडिया में, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रीजन्स में भी देखने को मिलता राइट। कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी रीजन्स जो आपका डोमिनेटेड है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए राइट। और अगर बात किया जाए कि प्रोडक्शन के रिगार्डिंग आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका स्टेट वाइज लगाना है राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्शन किया जाता है वो आपका यूपी में किया जाता है, देन आफ्टर आपका जो है प्रोड्यूस किया जाता है वो आपका महाराष्ट्र में किया जाता है, और देन आफ्टर आपका जो है कर्नाटका में किया जाता है राइट। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको इसको याद करना है राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है, ये आपका कॉफ़ी के बारे में बात कर रहा है राइट, कॉफ़ी के बारे में बात कर रहा है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉफ़ी के बारे में आपको कह रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है आपका ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है राइट, टेम्परेचर इसके लिए आपका 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको 28 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर से लेकर आपका 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए होगा राइट। और सॉयल का अगर बात किया जाए तो वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉयल होना चाहिए, और कल्टीवेशन एरिया आप कल्टीवेशन की अगर बात किया जाए तो कल्टीवेटेड इन द हाई लैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में इसका जो है आपका कल्टीवेशन किया जाता है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप भी आपका दिया गया है कि कर्नाटका में इसका जो है और केरला और तमिलनाडु में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है राइट। तो इसको अगर प्रोडक्शन में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो आपको सबसे पहले आप लिखेंगे कर्नाटका में राइट, देन आफ्टर जो है आपका इसका प्रोडक्शन किया जाता है केरला में राइट, देन आफ्टर जो है आपका तमिलनाडु में राइट। तो ये आपको याद रखना है राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन कुछ आपका जो अदर क्रॉप्स जो राइट, कि मीन्स जो छोटे मोटे आपके बचे हुए क्रॉप्स हैं राइट, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्वार है, बाजरा है, मेज है, रागी है, ग्राम है राइट, ये सभी आपका पूरा PDF ही यहाँ पर पड़ा हुआ है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा PDF ही है राइट। लेकिन नेक्स्ट आपका आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन राइट। तो ये आपका ग्रीन रिवोल्यूशन तो पता ही है कि मीन्स 1960 में आपका जो है देखने को मिला था, इंडिया इंट्रोड्यूस किया था आपका पैकेज टेक्नोलॉजी देखने को मिला था राइट, जिसमें आपका हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को प्रोडक्शन के लिए आपका लाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं हाई यील्ड वैरायटी राइट, अलॉन्ग विद केमिकल फर्टिलाइजर इन इरीगेटेड एरिया पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है आपका ये देखने को मिला था राइट। इसमें अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ने इरीगेशन किया गया था, यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज किया गया था राइट। कमांड एरिया डेवलपमेंट राइट, कि मीन्स इन सभी एरिया के बारे में बात कर रहा है राइट। उसके बाद आपका लैंड रिफॉर्म, इसमें आपका जमीन का भी कुछ रिफॉर्म किया गया था राइट। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रदान किया गया था, फार्म मैकेनिज्म एंड रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह
राइट, नेक्स्ट वन आता है आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, राइट, कि मीन्स क्या क्या इसके प्रभाव पड़े यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट, कि मीन्स जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो आपका इंक्रीज हो गया, राइट, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट, कि मीन्स जो आपका मंगाया जा रहा था फूड ग्रेन उसमें आपका कमी आई, डिफ्यूजन ऑफ राइस एंड वेट टेक्नोलॉजीज फॉर न्यू, राइट, प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रूरल एम्प्लॉयमेंट, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स, राइट, तो ये सभी इसमें चेंजेस देखने को मिलता है, राइट, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर देख सकते हैं आपका नेक्स्ट वन एंड लास्ट, मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसके डीमेरिट्स भी हुए हैं, डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आपका क्या था कि इंटर क्रॉप आपका इम्बैलेंस हो गया, राइट, कि मीन्स ओनली सीरियल्स वेयर बेनिफिटेड फ्रॉम जो है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन, राइट, कि मीन्स जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन से ओनली आपका जो अनाज वगैरह थे उसी को ही आपका फायदा हो गया, राइट, कि मीन्स कैश क्रॉप्स वगैरह इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, राइट, और रीजनल डिस्पैरिटीज हो गए, कि मीन्स किसी किसी रीजन्स में आपका जो है इसका ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा था, राइट, कि मीन्स जैसे कि हमने देखा कि पंजाब के रीजन्स में आपका उपयोग किया गया था, राइट, और वेस्टर्न यूपी, बिहार, इन सभी रीजन्स में आपका उपयोग किया गया था, राइट, तो इससे आपका रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही थी। इंक्रीज इन द इंटरपर्सनल लाइबिलिटीज, राइट, कि मीन्स जो आपका इंक्रीज हो गया था इंटरपर्सनल इन इक्वालिटीज, सम एक्सपर्ट्स डाउट अबाउट कैपेबिलिटी ऑफ HYV, यानी कि आपका जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में सब जो एक्सपर्ट्स थे, राइट, वो डाउट करने रहे लग रहे थे इसके कैपेबिलिटी में, राइट, और इंक्रीज हुआ था आपका क्या अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू फार्म मैकेनाइजेशन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन, राइट, और इन्वायरमेंटल थोड़ा सा पॉल्यूशन जो है देखने को मिला था, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो ये आपको याद रखना कि यह आपका क्या है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, अंडर द डिपार्टमेंट, और यह किस डिपार्टमेंट में आता है आपका, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, राइट, ये आपका कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में आपका आता है, और मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, और मैंडेट्स फॉर द ICAR इन द सेंस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर R2, राइट, कि मीन्स जो है देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपका मैंडेटरी प्रोविजन है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या मैंडेट्स है इसका, कि प्लान अंडरटेक कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट, एड इम्पार्ट एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर एजुकेशन टू इंक्रीज टू इनेबल क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट, फ्रंट लाइन एक्सटेंशन पॉलिसी कोऑपरेशन, राइट, तो ये सभी जो है आपका इंटर जो है आपका ICAR में देखने को मिला, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में देखने को मिलता है, राइट, तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरे एग्रीकल्चर के टॉपिक को हमने कवर किया, राइट, ठीक इसी प्रकार से हमने जो भी क्विक रिवीजन मॉड्यूल रिलीज किया जा रहा है आपका विजन के द्वारा, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है उसको हम लोग डील करेंगे, राइट, इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगी, राइट, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।